माथे पे सजाई जाती हो और महंगी चीज पांव में पहनी जाती हो, यही तो घोर कलयुग है। और बाद में फिर अब पहने हो तो फिर संतोष रखो, गुम जाए तो फिर रो मत। चप्पल जूते खरीदने के पहले ये जरूर विचार करना चाहिए कि कल कोई गुम गए तो आप अटैक तो नहीं आएगा। यदि अटैक ना आए तो खरीदना, नहीं मर ना जाना उसके चक्कर में, प्राण निकल जाए नहीं तो। तो आप बद्रीनाथ जी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग झगड़ा कर लेते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, बहुत सारे लोग झगड़ा कर लेते हैं। अरे भाई, जब हम तीर्थ यात्रा पे जाएं तो तीर्थ ऐसे जाएं कि हमें यदि रोटी नहीं मिले तो भी हम भूखे रह लेंगे, हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली तो भी हम रह लेंगे, पैदल चलना हो तो चल लेंगे। मतलब अपने आप को बिल्कुल मजबूत करके कोई गाली दे तो सह लेंगे, क्योंकि तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, झगड़ा तो बहुत कर लिया है, अब उन्हीं पापों का फल भोगने जा रहे हैं, उन्हीं पापों को धुलने जा रहे हैं। और जहां धुलने का इसी तपस्या हो, क्या हो मेरी माँ? तपस्या, तपस्वी जीवन हो। सुख सुविधाओं को कभी कभी छोड़ के देखा करो, है ना। हम बहुत सुख सुविधाओं में रहते हैं पर कभी कभी इनका, सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया करो, अपने आप को तपाया करो, यही तपस्या है। माता सीता जंगल में जब राम जी ने उन्हें वनवास भेजा, लव कुश उन्होंने बच्चे प्रकट किए, वो जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाती थी, चप्पल नहीं थी, नंगे पांव लकड़ियां तोड़ती, गट्ठा बनाती, सिर पे रखती। और आज सीता जी लकड़ियां जंगल से लेकर आती और अपना अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाती। हर चीज सुख सुविधाओं में नहीं है मेरी माँ, थोड़ी सा सुख सुविधाओं से हट करके जीवन जियो, थोड़ा सा त्याग भरा जीवन हो, तपस्या भरा जीवन हो, हर बात पर झगड़ा ना हो, हर बात पर दुख ना हो, प्रसन्नता हो। चलो कोई बात नहीं, नारद जी ने देखा पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सारे तीर्थों में शांति नहीं, तब नारद जी गृहस्थों के घर चले गए। शायद आपके घर शांति हो तो आपके घर शांति नहीं, हर जगह झगड़ा है। साधुओं में देखने को मिलता है एक साधु ने दूसरे साधु का मर्डर कर दिया इसलिए ताकि उसकी संपत्ति इनको मिल जाए, ये वहां के महंत बन जाए। साधुओं के घर भी ये उठापटक चल रही है और यही उठापटक गृहस्थियों के घर चल रही है। बड़े भाई ने छोटे भाई की जमीन दबा ली, छोटे भाई ने दो चार फीट जमीन दबा ली, अब छोटा भाई मांगे भैया आपने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। अरे तेरा भाई हूं मैं, तो भाई केवल हड़पने के लिए हो? हड़पने के लिए हो? आज समाज में ये देखा जाता है घर परिवार में जो भाई ज्यादा सीधा होता है ना, उस भाई को उसके चतुर भाई ज्यादा परेशान करते हैं भगवान, क्योंकि तुम्हारी दोनों आंख का तो कोई सवाल नहीं है, दोनों आंख होती तो तुम किसी की जमीन जायदाद, तुम्हारी जो है बहुत बढ़िया है, जितना है तुम्हारा वो तुम्हारा है, दूसरे का करोड़ हमारे लिए मिट्टी है, उसमें हमें नियत नहीं रखना चाहिए, भले वो हमारे भाई का हो। भाई का है तो क्या हुआ, बंटवारे में उसे मिला है, जितना उसे मिला वो उसका, जितना हमें मिला वो हमारा, अब उसमें नियत ना डुलाओ। यदि तुमने उसकी जमीन जायदाद पे कब्जा किया, वो कमजोर है, वो लड़ नहीं सकता, तुमने कब्जा कर लिया, याद रखना क्या विधाता तुम्हें माफ करेंगे? सजा नहीं मिलेगी। वो सीधा है बेचारा, बोल नहीं पाता, झगड़ा नहीं कर पाता, कोर्ट कचहरी नहीं जानता, तो तुमने उसको तो दबा लिया,
विधाता सब देख रहे हैं, गलत किसी के संग ना करना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ तुमने ज्यादा संपदा पाली, ज्यादा पा लिया, कल को रोन। इसलिए गलत ना हो किसी के साथ। नारद जी ने देखा यही सब गलत चल रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायिका। तरुणी आजकल नई नई बहुओं की चलती है, बूढ़ी माँ की कोई पूछ नहीं। आजकल भाई भाई में विवाद चल रहा है। हिंदुस्तान में जितने कोर्ट कचहरी है मेरी माँ, इन कोर्ट कचहरियों की फाइलें जाकर देखो, अधिकांश झगड़ा भाई भाई का है। सारी फाइलें भाई भाई के, या तो मंदिरों के झगड़े हैं या तो भाई भाई के झगड़े हैं। सबसे ज्यादा झगड़े भारत में यही है, भाई लड़ते लड़ते तुम चले गए। यही कलयुग है मेरी माँ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सूत जी भगवान कहते हैं, सुनो। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात दंपतीनाम चकलकनम। घर में नई नई बहुओं की चलती है, बड़ों का सम्मान नहीं, और तो और पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है। और आजकल रिश्ते नहीं होते मेरी माँ, आजकल सौदा होता है। आजकल तो बच्चे बिकते हैं, 25 लाख में बिकेगा ये छोरा, 10 लाख में बिकता है, 50 लाख में बिकता है, 1 करोड़ में बिक जाता है। आजकल के बच्चे बिकते हैं, लड़की वाले खरीद लेते हैं, शादी दहेज दे दिया, खरीद लिया। आजकल तो बच्चे बिका, लड़के के पिता दोनों को क्या बोला जाता है, समधी। समधी का तात्पर्य क्या है, समधी, जहां दोनों की विचारधाराएं सम हो, बराबर हो, दोनों की क्या समान हो, विचारधाराओं में समानता हो। लड़के के, लड़की की विचारधारा लड़के के विचारधारा से मिलती हो, और लड़की के पिता की विचारधारा लड़के के पिता के विचारधारा से मैच करती हो। जहां विचार मिलते थे वहीं विवाह होता था, और उसी को समधि कहा जाता था। पर आजकल तो माँ बाप सीधी बोली लगाते हैं, 25 का है, 25 एक रुपए कम नहीं लूंगा। ऐसा लगता है जैसे वो सब्जी भाजी नहीं बेचता बाजार में, साहब मैं तो ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए किलो आलू दूंगा, नहीं साहब 7 रुपए दे दो, नहीं नहीं। जहां लड़के बेचे जाते हो, जहां लड़के खरीदे जाते हो, वहां सुख कहां होगा, वो संबंध कितने दिन चलेंगे। जो 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 संबंध विचारों से नहीं बने, जो पैसों से बने हैं, जबकि रिश्ते विचारों से होते हैं। संबंध विचारों के, पैसों के संबंध नहीं है। क्या करोगे अब। नारद जी ने जब ये दुर्दशा देखी तो नारद जी के रोंगटे खड़े हो गए। नारद जी उदास होकर वृंदावन आए, और वृंदावन में देखा कि एक 16 वर्ष की कन्या रो रही है, और एक बूढ़ा इस तरफ और एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा है, उदास है, खिन्न है। तब नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो। तब उस कन्या ने चरण पकड़ के कहा, अहम भक्ति परा। मैं कौन हूँ, अहम भक्ति रितिख्याता, इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे। ऐसे क्यों है। बोले महाराज जब से कलयुग आया तब से मेरी ये दुर्दशा हो गई। भक्ति ज्ञान, भक्ति तो फिर भी ठीक है। ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्ना द्रवणे साहम, द्रवण देश में उत्पन्न भई, और वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में हमें कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में तो हम बुद्धि हो गई। उत्पन्ना द्रवणे साहम,
इसलिए कहां भक्ति प्रकट होती है? हृदय में। भक्ति का स्थान ये है, उत्पन्ना द्रवणे यहां प्रकट हुई, ये द्रवण देश हृदय है। कर्नाटके गता, कर्नाटक क्या है? बोली कानों से सुनी हुई कथा, जब आप कथा को सुनेंगे तो भक्ति बड़ी होगी, बढ़ेगी। वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति का सम्मान है तो कहीं बिल्कुल सम्मान नहीं है। ये महाराष्ट्र क्या है? हमारा शरीर ही महाराष्ट्र है। इस शरीर से कोई भजन करता है तो कोई भजन नहीं करता। और गुजरे जीर्णताम गता, गुजरात क्या है? गुजर गई रातें भजन के बिना, गुजरात यही है। गुजरात का अर्थ करिए क्या होता, गुजरात गुजर गई रातें भजन के बिना। जितना समय आपने भजन के बिना समय खराब कर दिया, उस समय की कोई वैल्यू नहीं है, वो समय गया, व्यर्थ गया। भजन किया होता, भगवत चिंतन किया होता तो समय सार्थक होता, पर भगवत चिंतन किया नहीं तो समय व्यर्थ चला गया, उस समय की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अपने हर क्षण को भगवत चिंतन में लगाइएगा, एक मिनट भी आपके व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। हर क्षण अच्छा सोचिए, हर क्षण अच्छा करिए, हर क्षण अच्छे विचार लाइए, अच्छी योजनाएं बनाइए, अच्छा काम करिए, हर क्षण कुछ कुछ सोचिए, करिए, पढ़िए, व्यर्थ ना गवाइए, व्यर्थ के कामों को मत करिए। किसी की निंदा, किसी की आलोचना, किसी के बारे में कुछ सोचना, इससे हमें कोई फायदा नहीं, हमें इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आज हम लोग जितना समय दूसरों का पांव पकड़ के खींचने में लगाते हैं, उतना ही समय अपने पांव को आगे रखने में लगाएं तो हम बहुत आगे चले जाएं, पर अपना पांव तो आगे रख, अपनी तरक्की नहीं कर पाते। लोग यही देखते रहते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा, वो तो ऐसा, वो तो वैसी, यही देख, अरे तुम कैसे हो ये देखो, अपने को देखता नहीं है, दूसरों को देखता रहता, खुद कुछ करता नहीं, दूसरा कुछ करता है तो वो कमियां ढूंढते रहते, कमियां। और मेरी मां, कमियां देखने वालों ने तो माता सीता में भी कमियां निकाल दी, कमियां देखने वालों ने तो माता सीता में भी कमियां निकाल दी। हमारी कमियां कोई देखेगा तो 1 करोड़ कमियां हम में निकल आएंगी, आप में कोई कमी देखेगा तो आप में भी निकल आएंगी। मेरी माँ, यदि कमी देखना है तो कमियां तो हम में बहुत है, 1-2 हो तो गिनाए, करोड़ों है, आप देख गिन लो, करोड़ों निकलेंगी हमारे भीतर। तो हम क्या करेंगे किसी की कमियां देख कर? आप में ये कमी है, हम क्या करेंगे इस चीज को देखकर? हमने इसको नोटिस भी कर लिया कि आप में ये कमी है, चलिए हमने आपकी उन्नति के लिए बता दिया, भाई ये कमी आप ठीक कर लो, अच्छे हो जाओगे, बता दिया, बात खत्म। अब हम आपकी कमियां देख के पड़ोसी से कहें, सुनो उसमें तो ये कमी है, ऐसा है, वैसा है, लोगों को बड़ा स्वाद मिलता है। हमारी माताएं तो भूखी प्यासी खड़ी रहती हैं दरवाजे में और वो बातचीत करती रहती हैं, उनको बड़ा स्वाद मिलता है, 1-1 घंटे निकल जाते हैं। बूढ़े लोगों को गांव में देखो, नुक्कड़ में बैठ करके लोग बस यही चर्चा करते हैं, फलाना ऐसा, फलाना वैसा। हमने एक देखा, एक सज्जन हमारे परिचित के हैं, वो सड़क के पास मंदिर है, सामने से सड़क है, गाड़ियां निकलती हैं, तो वो मंदिर में आकर बैठते हैं और सबको देखते हैं, ये कौन गया? अच्छा फलाना गाँव का वो, अच्छा अच्छा, थोड़ी देर बाद दूसरी मोटरसाइकिल निकली, अच्छा अच्छा ये वो है, वो गए, वो पूरा दिन यही देखता है ये कौन जा रहा, जबकि वो जिसको देख रहा वो तो पलट के देखता नहीं किसी को, बस ये बैठा बैठा उसको देखता रहता, ये गया वो गया, वो फलाने गांव का है, वो फलाने गांव का है, वो फलाना फलाने के लड़के के लड़का है, वो पूरी जन्म पत्री इनके पास है। अब पूछो जरा इनसे, इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? वो गया, उसका नाती गया, फलाने गांव का गया, तुम्हें क्या मिल रहा? तुम क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? क्या करना हमें, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग कीजिए। संभालिए, सुधारिए अपनी इन गंदी आदतों को, अच्छी बनिए।
अपने में आंख बंद कीजिए। यदि आपके पास बहुत समय है, आप दूसरों को देख रहे हैं, तो मत देखिए दूसरों को, आप केवल भगवान का चिंतन करिए। केवल आंख बंद कीजिए, भगवान का चिंतन करिए, यही समय का सदुपयोग है। या तो उठकर अपना कुछ काम करिए, नहीं तो फिर भगवत चिंतन करिए। व्यर्थ में समय मत गवाइए। ये जो वक्त है, आज है, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, ये याद रखिए। समय एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। इस दुनिया में सबसे सबसे कीमती क्या है? मैया, ओ मेरी माँ, सबसे फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता। समय है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय है, वो भी आपका ही समय था जब आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ लेते थे, और ये भी आपका समय है जब 10 कदम चलते हो तो लाठी का सहारा लेके चलना पड़ता है, और वो भी हिलते डुलते चलते हो। ये भी तुम्हारा ही समय है। वो भी तुम्हारा समय था जब तुम 10-10 रोटियां पचाने की ताकत रखते थे। ये भी तुम्हारा समय है कि आधी रोटी नहीं पच रही है। समय है, ये भी तुम्हारा समय है, वो भी तुम्हारा समय है। एक समय वो था जब आपके सामने 50 लोग खड़े हुआ करते थे, आपके साथ सब कोई खड़ा होता था, वो भी एक समय था। और आज आप बुला रहे हैं कि भैया प्यास लगी है, जरा पानी दे दो, तो कोई सुनता नहीं है। ये भी एक समय है, कोई पानी देने वाला नहीं है। और तब एक आवाज में 50 लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो भी तुम्हारा ही समय था, और ये भी तुम्हारा ही वक्त है। ये वक्त जो है मेरी माँ, ये समय जो है, इस समय को जिसने पहचान लिया वो जरूर महान बनेगा। और समय का जिसने दुरुपयोग किया है, वो ना घर का रहा है ना घाट का रहा है। समय की केवल समय। आज श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति से देवी चिंता ना करो। भक्ति महारानी सब जगह दुखी थी पर वृंदावन में सुखी है। भक्ति कहीं हो ना हो पर वृंदावन में तो भक्तिर नृत्यति यत्र चा। भक्ति तो नृत्य कर रही है, नाच रही है वृंदावन में। धन्य है ये वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन जहां करता हूं। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा, महाराज मैं क्या करूं कि भक्ति का दुख दूर हो जाए? तब कहा, भागवत की कथा सुनवाओ। नारद जी ने कहा, मैंने गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से हो जाएगा? बोले हाँ, जो कहीं किसी से नहीं हुआ वो भागवत से होगा। चलो शुरू करते हैं। हरिद्वार की पावन धरती पर कथा प्रारंभ हुई। 3 आसन लगाई सनक सनंदन। श्रीमद्भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? बार बार, सदा सुनो। जब महिमा सुनी तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। वहां से कहां से? बोले भागवत से भक्ति महारानी प्रकट होकर ताता थैया महाराज भागवत सुनने 250 यजमानों के द्वारा आप सभी लोग, आप, मुझे विश्वास है कि आप जिन्होंने भागवत जी की पोथी बिठाई है, भागवत जी निश्चित, जैसे भक्ति महारानी का दुख भागवत जी ने दूर किया, आप सभी का कष्ट दूर करेंगे। आप सभी बड़े प्रेम से भागवत जी को बड़ी श्रद्धा से 7 दिन तक सुनिए। अपने आप आपकी जो इच्छाएं हैं भागवत जी उसे पूरा करेंगे। उन सभी यजमान परिवारों को जो घर बैठकर भागवत जी की पोथी बिठाए हैं, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामना। बिहारी जी आप सभी की इच्छाएं परिपूर्ण करें, सुख और समृद्धवान आप बने, सुखी और समृद्धवान बने। मार्च से होगा, महाशिवरात्रि के दिन से अष्टोत्तर प्रारंभ होगा। फिर से 108 पोथियां अष्टोत्तर में भागवत जी की बैठेंगी। जो लोग आगे अष्टोत्तर पाठ कराना चाहें भागवत जी की पोथी से, अपना और अपने पूर्वजों का कल्याण कराना चाहें, तो आगे के सत्र से आप जुड़ सकते हैं।
प्रिय भक्तों, नारद जी महाराज बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं और नारद जी को सनकादि कथा सुना रहे हैं। भक्ति प्रकट हुई तो बैठे कहां, तब भक्ति प्रकट हो के बोली, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमै के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। ताता थैया करके नाचने लगी। अच्छा, भक्ति महारानी एक कीर्तन गाती हैं। ये जो कीर्तन है ये भक्ति महारानी को बड़ा प्रिय लगता है और भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। वो कीर्तन क्या है, आओ हम भी कर लेते हैं। भक्ति महारानी कीर्तन करती हैं।